मुंबई में गणपति उत्सव की धूम है। सुखदाता दुखहर्ता गजानन गणेश को प्रसन्न करने के लिए हर कोई मेहनत कर रहा है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स को तो बप्पा के आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिरकार ये सभी सुरों की जंग के सिपह सलार जो हैं, तो बस फिर बप्पा को अपनी भक्ति से मनाने और रिझाने के लिए ये सभी यूमियो टीवी के साथ पहुंच गए विले पार्ले ईस्ट के पंडाल में लेने बप्पा का आशीर्वाद। आज हम यूमी और टीवी के साथ आए हैं और हम यहाँ पे सुभाष रोड के सार्वजनिक श्री गणेश उत्सव मंडल विले पार्ले में आए हैं। इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट हम सब यहाँ आए हैं और हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। सुबह उठ के पहला हमारा किसी मंडप पर इलेक्शन हो रहा है। तो मैं तो मुंबई की हूँ, फिलहाल मुंबई से है। हम हर साल गणेश उत्सव मनाते हैं, तो यहाँ पे जो मुंबई से नहीं है उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैं मानती हूँ हमारे सभी काम गणपति बाबा से स्टार्ट होते हैं, चाहे कोई भी काम हुआ। तो बेहद खुश है कि हम यहाँ गणपति बाबा के दर्शन के लिए आए और यही मनोकामना मांगती हूँ कि ना इस कंटेस्टेंट हम सबकी दुआएं पूरी हों, सब अच्छा काम करें, अच्छे रास्ते पे चले। इसके बाद शुरू हुआ बप्पा की चरणों में अपनी हाजिरी लगाने का सिलसिला। किसी ने थामी ढोलक तो किसी ने बजाया मंजीरा। शुरू हुआ बप्पा के भजनों को गाने का सिलसिला। वक्त आया बप्पा की आरती का, तो सबने मिलकर उतारी बप्पा की आरती। जब एक से बढ़कर एक सुरों के धुरंधर मौजूद हों तो एक आरती से बात कहाँ बनती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि बप्पा के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद पाकर सभी को कैसा लगा। यूमी और टीवी के साथ हम आज गणपति बप्पा के पंडाल में आज सभी एकत्रित हुए हैं दर्शन करने के लिए। सबके चेहरे पे अलग सा नूर, अलग सी खुशी, अलग सा जोश है। हर जगह देखिए गणपति बप्पा के नाम की धूम मची हुई है। मेरे साथ जितनी भी हमारे पूरे आइडल की टीम है, परिवार, मेरा भाई सलमान भी है। सलमान, कैसे कहेंगे आप, कैसे आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने गणपति पप्पा से बस यही मांगा कि भगवान सबको संगीत दे। क्या बात है। और सबको सब अच्छा गाएं और जैसा नाम हो रहा है ऐसे ही आगे नाम सबका बढ़ता रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और नीलांजना, आप यहीं दूर से बोले, माइक पकड़ के आप सारा फील लेती हैं, बोलिए। मैं सब भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि सबको विद्या, बुद्धि और ज्ञान दे और सबको बहुत खुशियाँ दे। और मैं तो बहुत खुश हूँ सबके साथ और सब ऐसे ही खुश रहे। क्या बात है। और हमारे पात्र साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, माइक नहीं करना। अच्छा, मैं आज गणपति जी से कुछ भी नहीं मांगा क्योंकि मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आप तो सबको देते हैं लेकिन ये आपका त्यौहार है तो आप पहले खुश रहिए। क्या बात है। आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। सो मैं ये दिन उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि ये दिन आप किसी को कुछ नहीं दिए, प्लीज आप खुद खुश रहिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने जन्माष्टमी में जब हम गए थे
तो हमने बहुत ज़्यादा भगवान के वहाँ पे इबादत करी थी और सभी रम गए। आज भी ऐसे मॉल था, सभी ढोल ताशे बजा रहे थे और अवंती ने तो मराठी में भी वो गई। तो अवंती क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि गणेश उत्सव मुंबई कर जो होते हैं उन सबके लिए एक बहुत स्पेशल फेस्टिवल है, क्योंकि कुछ अलग ही तामझाम से मनाया जाता है। उसी के साथ मैं हाफ महाराष्ट्रियन हाफ गुजराती हूँ, तो मैं बचपन से मराठी में गणपति के गाने गाती आई हूँ, आरती गाती आई हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत खुशी का मौका था यहाँ विले पार्ले में आकर गणपति के सामने आरती गाना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ हमारे नागर साहब भी हैं। नागर साहब आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि गणपति बाबा का धाम एक ऐसा होता है, यहाँ पे सारे दुख और सारी चीजें भूल जाते हैं और मलंग हो जाते हैं, यहाँ के एक अलग ही यहाँ पे एक भक्ति में खो जाते हैं। तो सबके सब कंटेस्टेंट बहुत ही मतलब काम तो हम रोज ही करते हैं, बट आज एक अलग ही सुकून मिला हमको गणपति बाबा के दर्शन करके, जो कि सुबह सुबह जो हमने जो दर्शन जो ये किया है तो एक बहुत अलग सुकून मिला है। और ये इसी तरीके से बरकरार रहे और गणपति बाबा हम सबको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। और मैं कहूँगा एक हमारे अंदर एक बहुत स्पेशल इंसान है जो जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है, पूरा दुनिया दुआएं कर रही है, और वो थोड़े दिन पहले बहुत बड़े गणपति बाबा के जो हमें राजा माने जाते हैं, लालबाग के राजा, और वो वहाँ जाकर आए। हमें बहुत खुशी, उनके हम व्यूज़ लेंगे। अंकुश भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ नहीं मांगा पापा से। मेरी मांगने की लिस्ट, मेरी मांगों की डिमांड्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। मैंने उनसे अभी कम कर दी है थोड़ी सी, अभी आपको सब कुछ मिलने वाला नहीं, विश लिस्ट मेरी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और मैं भगवान जो होते हैं वो हमारे माता पिता हैं, और जैसे हम अपने माता पिता से मांगते हैं वैसे ही हम भगवान से भी, हमारा पूरा हक है कि हम उनसे मांगें। और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें मांगी, पूरे संसार के लिए मैंने खुशियाँ मांगी है। सबसे बड़ी बात है हम इस दुनिया में आए हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को जो भी इस दुनिया में आता है, ये तो सबको पता है कि एक दिन इस दुनिया को छोड़ के सब जाएंगे, पर जब तक इंसान इस दुनिया में है जो भी है वो निरोगी रहे, जो भी जिंदगी उसकी रहे बिना रोक के रहे, और वो हमेशा सुखी रहे अपने परिवार के साथ, हमेशा उसको सारी इस दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं वो सब उसको मिले। यू मी और टीवी के सभी दर्शकों को हमारी इंडियन आइडल की पूरी टीम की तरफ से गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।